इसका नाम नौरत है। ये गांव में रहता था और ये भाटे का ये बर्तन ये काम करता था। तो फिर बाद में ने इसको गले में इन्फेक्शन हुआ, क्या मालूम क्या हुआ, गले में बहुत दर्द होता था। सब डॉक्टरों को बताया, उधर बड़े बड़े डॉक्टर के पास भी गया था, तो सब ने बोला कि इसको कैंसर की शुरुआत चालू हो गई, इसको कैंसर 90% हो चुका है। तो फिर इसको बम्बई में बुलाया, तो बम्बई में भी डॉक्टर को साइन में दिखाया, दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, सब ने बोला इसका कैंसर का शुरुआत हो चुका है। तो हम लोग सब डर गए थे, तो भी मैं बोला ठीक है चल चरच चल। तो इधर आया ही है, आया तो भी इधर आता था, वो बोलता मेरा तो दर्द करता है, नहीं ठीक हो रहा हूँ। मैं बोला ठीक है तू आते जा, होएगा कभी तो कभी कुछ। तो एक दिन यहाँ मुझे चर्च में बोला कि मुझे टाटा हॉस्पिटल लेके चल, और मुझे टाटा में ही जाना है, इसका इलाज उधर ही होएगा। मैं बोला टाटा में तो मैं नहीं जाऊँगी, मैंने इतने दिन परमेश्वर से प्रार्थना की है, वो खाली तो नहीं जाएगी। फिर मैंने यहाँ परमेश्वर यहाँ ही खड़े होकर मैंने प्रार्थना की, मैं कि परमेश्वर मुझे टाटा मत भेजना इसके साथ में, और मैं तो नहीं जाऊँगी। तो फिर इसको यहाँ कॉलोनी में एक डॉक्टर मिल गया, वो बोला यहाँ से जाते ही मिल गया, परमेश्वर ने उसको रास्ते में खड़ा करके रख दिया। वो मिला और मिलने के बाद में बोला कि तुम है ना मैं भेजूँगा वही डॉक्टर के पास जाओ, होएगा तो बताएगा, नहीं होएगा तो वो नहीं बताएगा। फिर ये मुझे फ़ोन किया, मैं बोला तू जा, गया और मैं ये गया और मैं प्रार्थना करती गई, मैं बोला परमेश्वर कैंसर मत बताना, छोटा मोटा कुछ रहेगा तो दवा पानी से हो जाएगा। वहाँ गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको कैंसर नहीं है, आपको इन्फेक्शन है, तो 6-7 महीने दवा से ठीक हो जाएगा। फिर मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद किया, मैं बोला परमेश्वर मुझे तूने बहुत अंदर के दर्द से मुझे बचाया, अभी ठीक उसको वो दर्द तो गया है, धीरे धीरे डॉक्टर बोला धीरे धीरे जो दर्द है वो धीरे धीरे जाएगा, 6-7 महीने दवा से चला जाएगा, लेकिन वो बड़ी बीमारी से मेरा भाई बच गया।